हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो एक बात पूछना चाहूंगा, क्या कभी डॉक्टर, वकील या अपने कोच को झूठ बोलना चाहिए? अगर आप इन लोगों को झूठ बोलोगे ना, तो आपका नुकसान होता है, इनका नहीं होता। तो जैसे आपने बोला, अगर आपने कुछ गलत चीज खाई तो हमेशा डॉक्टर के सामने जाके साफ बता दो, यार मैंने ये इनटेक किया है। सेम वकील, अगर कोई क्राइम किया तो वकील को पूरा बताओ, तभी वो आपको बचा पाएगा। सेम ट्रेनर के साथ होता है, आप उसको झूठ मत बोलो। आपको लगता है कि अगर आप उसको झूठ बोलोगे तो शायद वो कोई नई एक्सरसाइज या नई डाइट बता देगा और जिससे एकदम से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कोई मैजिक पिल उसके पास नहीं है कि वो आपको दे देगा। और वो दे नहीं रहा है आपको कि वो टाइम पास कर रहा है आपके साथ, चाहता है कि आपको लगातार ट्रेनिंग कराता रहे। आपके दिमाग में ऐसा रहता है कि ये, अगर ये मैं पतला हो गया तो इसकी ट्रेनिंग को छोड़ दूंगा, मैंने अपना गोल अचीव कर दिया तो फिर मैं इसकी, मेरे को जरूरत नहीं है। देखिए, आपको अपने कोच की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो अगर आप ये सोच के उसको झूठ बोल रहे हो ना, तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, आप उसका चूतिया नहीं अपना चूतिया बना रहे हो। आपका पैसा, टाइम, एनर्जी वेस्ट हो रहा है, उसका कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा उसमें, वो उसको पता भी चल जाता है। एक कहावत है कि दाई से कभी पेट नहीं छिपता। कहने का मतलब, जो दाई होती है ना, जो बच्चे पैदा कराती है, वो दूर से देख के बता देती है कि ये बंदी किसी फीमेल को, कि ये प्रेग्नेंट है, वो दूर से देख के बता दी, उन्हें इतना एक्सपीरियंस होता है। तो सेम आपके कोच का है, वो आपको देख के बता देगा कि आप किसी डाइट को कितना फॉलो कर रहे हो, कितना आप जो भी आपको टास्क दे रहा है, स्टेप काउंट्स पूरा करने के, आपके स्लीप के, डाइट कंट्रोल करने के या फिर अच्छा खाने के। तो उसको सब पता है कि आप कितना ईमानदारी से कर रहे हो, बस वो आपसे पूछ रहा है और आपके झूठों को सुन रहा है। जैसे मेरे साथ भी होता है, मेरे को पता है मेरे क्लाइंट जो, जिन बंदों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, कौन कौन झूठ बोल रहा होता है, और मुझे पता होता है कि वो क्या झूठ बोल रहे हैं। तो आप उनको बेवकूफ नहीं बना रहे हो, आप खुद का बेवकूफ बना रहे हो। तो कभी भी अपने कोच को झूठ मत बोलो। अगर डाइट नहीं हो रही तो उन्हें बताओ, यार मुझसे नहीं हो रहा कंट्रोल, मैं ये खाया मैंने। तो वो आपके साथ वो कुछ और प्लान करेगा जिससे कि आपके रिजल्ट्स आए, आप अपनी डाइट को कंट्रोल करने के दूसरे तरीके बताएगा। लेकिन एंड ऑफ द डे करना आपको ही है, डाइट कंट्रोल भी आपको करना है, वर्कआउट भी आपको ही करना है। तो अपने कोच पे ट्रस्ट करें, उनके साथ ईमानदार रहें, ऑनेस्ट रहें, झूठ ना बोलें। अगर आपको अपने कोच पे डाउट है तो चेंज कर दो कोच को, और कोच हायर करने से पहले उस पे डाउट करो, उससे क्वेश्चन पूछो, उसका एक्सपीरियंस देखो, क्वालिफिकेशन देखो, उससे क्वेश्चन करो। लेकिन अगर आपने एक बार उसको हायर कर लिया अपनी मन की तसल्ली के बाद, फिर उस पे ट्रस्ट करो, उसके प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, तभी आपके रिजल्ट आएंगे। झूठ बोलने से आपका, उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई नुकसान नहीं, आपका ही नुकसान है। तो बस अभी मैं जिम आ गया हूँ, मंडे आज, तो अपने मंडे की शुरुआत वर्कआउट के साथ करो। आप भी अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आओ, अपना डाइट, एक्सरसाइज अगर नहीं कर पा रहे हो तो छोटे मोटे चेंजेस लेकर आओ। तो अभी मिलते हैं जिम में, सी यू। देखिए, पुशअप्स जो एक्सरसाइज है ना, एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपका स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए। लेकिन ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वार्म अप एक्सरसाइज है या टाइम पास एक्सरसाइज है, इसको ऐसे ही हल्का फुल्का कर लिया। देखिए, अगर पुशअप्स को पहली बात आप अपने चेस्ट वर्कआउट में शुरुआत में, बीच में या फिर आखिरी में कर सकते हैं, और ये बहुत, अगर इसको तरीके से किया जाए, वेरिएशंस के साथ किया जाए, तो ये एक्सरसाइज भी और एक्सरसाइज की तरह काफ़ी इफेक्टिव है। तो पुशअप्स कोई टाइम पास करने की चीज़ नहीं है, जब आप उसको टाइम पास की तरह करते हो तब उससे फ़ायदा नहीं होता, लेकिन आप उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको ज़रूर वो फ़ायदा करेगी, जिसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आज है मंडे, तो सारी दुनिया चेस्ट कर रही है, मेरा भी कुछ पैटर्न है, चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स करना है। देखिए, जब इस तरह की कंडीशन आती है ना कि जॉब को करना है और वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी भीड़ है, उन चीज़ों पे लोग लगे हुए हैं, तो जैसे आज हो रहा है, मेरे को उधर बेंच नहीं मिल रहा था, डंबल्स नहीं मिल रहे थे, तो मैं फ्लैट बेंच बारबल प्रेस कर रहा हूँ, और ये बेंच भी ऐसा ही है, थोड़ा सा हिल रहा है, तो है ज़्यादा हैवी लिफ्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में आप अपना जो टेम्पो है, जो मूवमेंट है, उसको स्लो करें,
और अपने रैप रेंज बढ़ा सकते हो। अगर आपके पास हैवी डंबल्स नहीं है, ज़्यादा प्लेट्स नहीं है वेट बढ़ाने के लिए, तो ऐसे में आप अपना रैप रेंज बढ़ा के अपने टेम्पो को, अपने मूवमेंट को स्लो करके अपने वर्कआउट को इफेक्टिव बना सकते हो। बेवकूफ़ों की तरह जिम में खड़े रहने की जरूरत नहीं है, अपनी बारी आने का वेट करने की जरूरत नहीं है, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। बिना टाइम ख़राब किए जो आपके पास सोर्सेज है, रिसोर्सेज हैं, उनसे ही अपने वर्कआउट को आप इफेक्टिव बना सकते हो। बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, किसी की गाइडेंस लीजिए। आपको ऐसे खड़े रहने की जरूरत नहीं, जैसे बहुत सारे लोग इधर आप जिम में देख सकते हो वेट कर रहे हैं खड़े। तो अभी मैं थोड़ा हाई रैप वर्कआउट कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत वेट मिल गया है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाया। जिसको भी अपनी 9 to 5 जॉब से कम प्रॉब्लम है ना, ये देख लो ये बंदा। आप तो ऑफिस में एसी में बैठ के कर रहे होते हो, इसको देख लो, शाम तक बेचारे को 300-400 रुपये मिलेंगे। और ये साइड 2-3 मंजिल ऊपर, बल्कि और ऊपर से आप लटका हुआ है, काम कर रहा है लाइफ। आई थिंक सबकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं या दिल की बातें हम सुन रहे हैं उसको छोड़ दें, गिव अप कर दें, कुछ और करें। मेरे को मेरे फ्रेंड्स भी बोलते रहते हैं कि ये कर ले, वो कर ले। कई बार जब मैं डिप्रेस होता हूँ अपने काम को लेकर, आई थिंक ये सबके साथ होता है। पर एक चीज़ होती है जो हमेशा उसको गिव अप करने से रोक देती है, होता है कि जब हम किसी को देखते हैं ना कि जिसने अपने दिल की और वो सक्सेस हुआ, वो चीज़ है ना कभी भी गिवअप नहीं करने देती। और एक डर रहता है कि जो हम कर रहे हैं पर इसके अलावा हम कुछ और करना शुरू कर दें, क्या जो आज एक सेटिस्फेक्शन है, जो एक खुशी है, वो हमेशा रहेगी? मतलब ये कन्फ्यूज़न है ना, कभी भी आपको गिवअप नहीं करने देता। मैंने भी नहीं किया आज तक, कर रहा हूँ, करता रहूँगा। ये मेरा सुबह का मील है, सोने से पहले मैं प्रिपेयर करके सोता हूँ, मैं इसको फ्रिज में रख दूँगा और फिर सुबह खाऊँगा। देखिए फिटनेस के अंदर है ना, आपको जब अगर अपने आप को फिट करना है, हेल्दी रखना है, अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो अपना जो आपका मील प्रिपरेशन है, कुछ मील्स का मतलब सब कुछ आप अपनी फैमिली वगैरह पे डिपेंड नहीं रह सकते हो, कुछ मील्स आपको खुद प्रिपेयर करने होते हैं अपना, मतलब ये आपके हिसाब से कोई और नहीं बना सकता। तो अगर आप खुद बनाओगे तो एक अच्छे तरीके से बना पाओगे, उसकी क्वांटिटी वगैरह कंट्रोल में रख पाओगे, वरना अगर कोई और बनाएगा, अगर आपकी माँ बनाएगी तो वो अच्छी चीज़ों को भी ज़्यादा ही खिलाएगी आपको प्यार में। तो और अच्छी चीज़ भी अगर आप ओवर करते हो ना तो भी आपका वेट लॉस वगैरह नहीं हो सकता। तो फिटनेस के अंदर आपके मील्स को आपको मेज़र करके खाना ज़रूरी है। तो कुछ मील्स को खुद प्रिपेयर करें, खुद बनाएं, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपनी माँ का ध्यान रखें, और इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो कर सकते हैं।